हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास क्लास फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का है। इसे पिछले वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर वन पढ़ रहे थे। चैप्टर वन का लेक्चर या थ्री है। आज का जो टॉपिक होगा अल्पतमांक के बारे में हम लोग जानेंगे, माप में आपका त्रुटि जानेंगे, ये इसके काइंड्स जानेंगे, निरपेक्ष त्रुटि के बारे में जानेंगे, आपका भिन्नात्मक त्रुटि के बारे में जानेंगे, प्रतिशत त्रुटि के बारे में जानेंगे, अन्य और जो है कुछ हेडिंग्स पढ़ा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानें अल्पतमांक क्या होता है। तो अल्पतमांक को हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। क्या अल्पतमांक को डिफाइन किया जा सकता है कि किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली वह छोटी से छोटी माप जो शुद्धतापूर्वक मापी जा सके उसे उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। पुनः एक बार देखिए, किसी मापक के यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली वह छोटी से छोटी माप जो शुद्धतापूर्वक मापी जा सके उसे उस मापक यंत्र की अल्पतमांक कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो हेडिंग है, माप में त्रुटि। माप में त्रुटि क्या होता है कि किसी भी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। ठीक, ये त्रुटि आपका दो टाइप में होता है, दो प्रकार में होता है, क्रमबद्ध त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि। अब आइए नेक्स्ट हेडिंग के बारे में जाना जाए कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है। निरपेक्ष त्रुटि देखिएगा, निरपेक्ष त्रुटि को हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर, यानी वास्तविक मान है जो वास्तविक मान हुआ माइनस प्रायोगिक मान का जो अंतर होता है वही अंतर आपका निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। निरपेक्ष त्रुटि को क्या कहते हैं, डेल्टा ए बराबर डेल्टा ए वन धन डेल्टा ए टू धन एंड समान आ। इसके बाद आपका आएगा भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि को हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि क्या भिन्नात्मक त्रुटि को कैसे डिफाइन करेंगे कि विभिन्न परीक्षणों का माध्य निकाला जाए तथा वास्तविक मान के अनुपात को क्या कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। यानी भिन्नात्मक त्रुटि जो होता है, भिन्नात्मक त्रुटि जो होगा वो क्या होगा, विभिन्न परीक्षणों का मान निकालना, विभिन्न परीक्षण का माध्य निकालना बटे वास्तविक मान का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, भिन्नात्मक त्रुटि कहलाएगा। और भिन्नात्मक त्रुटि को किस रिप्लेस करते हैं, डेल्टा ए अपान ए से रिप्लेस किया जाता है। इसके बाद प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, ये जो भिन्नात्मक त्रुटि होती है उसी भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से क्या कर दें, गुणा कर दें। जब गुणा करेंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो आपका प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग के बारे में जाना जाए, त्रुटि का संयोजन हम लोग करेंगे। त्रुटि का संयोजन हम 6 टाइप में कर सकते हैं। पहला आपका होगा यदि कोई फलन 2 पाठ्यांकों के योग पर निर्भर कर रहा हो तब क्या होगा। दूसरा आपका यदि कोई फलन 2 पाठ्यांकों के अंतर पर निर्भर कर रहा हो, यदि कोई फलन 2 पाठ्यांकों के गुणनफल पर, यदि कोई फलन आपका 2 पाठ्यांकों के भागफल पर निर्भर कर रहा हो। अगला जो होगा यदि कोई फलन घातांक वाली राशि पर निर्भर कर रहा हो, और अगला आपका जिसमें कोई अचर कोई फलन जो है नियतांक हो। तो आइए एक एक के बारे में जाना जाए। पहला जो आपका है त्रुटि के संयोजन का, पहला आपका त्रुटि क्या होगा यदि कोई फलन 2 पाठ्यांकों के योग पर निर्भर कर रहा हो। तो कोई फलन ले रहे हम, तो ले रहे हैं फलन हम जेड बराबर एक्स प्लस वाई ले रहे हैं।
ठीक। देखिए आपका दो दो पाठ्यांक है x प्लस वाई के रूप में, इसका हम क्या करें, अगर z में त्रुटि आपका डेल्टा z हो रहा है और x में त्रुटि आपका डेल्टा x हो रहा है और y में त्रुटि आपका डेल्टा y हो रहा है तो क्या करें आप, इसलिए z प्लस माइनस करते हैं डेल्टा z बराबर यहाँ क्या होगा आपका x प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। अब प्लस अब क्या जाएगा y प्लस माइनस डेल्टा y, ठीक है। इसको दोनों तरफ जो त्रुटि हुआ उसको लिया गया तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर देखिएगा x प्लस वाई और प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा वाई, जानते हैं त्रुटि आपका प्लस माइनस के साथ होता है। अब z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर और इसको लिख सकते हैं क्या x प्लस वाई भी कर सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा वाई, और ये जेड से जेड आपका कट जाएगा तो डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब ये आया आपका या इसी को लिख सकते हैं डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, और इसका हम क्या लिखें भिन्नात्मक त्रुटि, तो भिन्नात्मक त्रुटि बताए हैं अभी पीछे इसके में डिफाइन किया गया भिन्नात्मक त्रुटि का जाएगा डेल्टा जेड जैसे बिना डेल्टा ए अपान ए यही तो भिन्नात्मक देखा यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा जेड बाई डेल्टा जेड बाई जेड इसका जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, ठीक है। ये जो होगा आपका भिन्नात्मक त्रुटि होगा, ठीक। इसका प्रतिशत में क्या हो जाएगा तो डेल्टा जेड बाई जेड का परसेंटेज निकालें यानी प्रतिशत त्रुटि निकालें इसका तो इक्वल टू क्या जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स धन डेल्टा वाई अपान एक्स इसका गुणे सौ, ये जो होगा आपका क्या होगा प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। पहला आपका होगा यह यदि कोई फलन दो पाठ्यांकों के योग पर निर्भर कर रहा हो तो उस कंडीशन में आपका भिन्नात्मक त्रुटि यह हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि यह हो जाएगा योग के रूप में होगा। तो अब आइए यदि कोई फलन दो पाठ्यांकों के अंतर पर निर्भर कर रहा हो अब यही आपका क्या आ जाएगा माइनस दूसरा लिया जाए माना आपका जेड बराबर एक्स प्लस वाई समीकरण एक दूसरा आपका इसका दूसरा देखिए यदि कोई फलन दो पाठ्यांक के अंतर पर निर्भर कर रहा हो तो अब इसमें हम जेड में जो आपका त्रुटि हो रहा है डेल्टा जेड हो रहा है यहाँ लिखेंगे प्लस है तो माइनस कर देंगे और अंतर है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस ये आपका एक्स ये वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई अब क्या किया जाए जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर एक्स अब यह माइनस यहाँ पर माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स और यह आपका माइनस प्लस माइनस डेल्टा वाई या यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए जेड और प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ये जेड हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस प्लस माइनस डेल्टा
वाई यंग से डेटा आपका यंग बच्चा एक और डेल्टा प्लस माइनस छोड़ देता हूँ और डेल्टा एफ माइनस डेल्टा वाई ठीक है। इसका जब अंतर आंसर करेंगे तो आपका देखिएगा प्लस वन तो डेल्टा जेड बाई डेल्टा जेड बाई डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू का जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान वाई ये आपका भिन्नात्मक हो जाएगा त्रुटि ठीक। और इसी को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा जेड बाई जेड प्रतिशत हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान वाई गुणे 100 हो जाएगा ये आपका प्रतिशत त्रुटि होगा प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। इसी प्रकार आप जो है ये भाग आप गुणा वाला भी कर सकते हैं जैसे आपका फंक्शन लगता है जेड बराबर एक्स इंटू वाई इसमें आप त्रुटि हो रहा है तो जेड इंटू प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स अब यह आपका आ जाएगा वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर क्या लिख सकते हैं इसको देखिएगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस माइनस देखिए इसका इसमें बुला एक्स एक्स डेल्टा वाई धन वाई इसका इसमें वाई डेल्टा एक्स अधन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई यह जो मान आपका अल्पसमान शो करेगा अल्पतम शो करेगा या आपका क्या हो जाएगा जीरो इस कंडीशन में यहाँ हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर एक्स वाई जेड हो जाएगा समीकरण एक से और यह आपका प्लस माइनस एक्स वाई और प्लस वाई डेल्टा एक्स अरे जेड से जेड आपका एक बार में डिवाइड हो जाएगा तो डेल्टा जेड बराबर देखिएगा एक्स डेल्टा वाई धन वाई डेल्टा एक्स अब ऋणात्मक त्रुटि निकालें डेल्टा जेड अपान जेड इजिकल टू एक्स डेल्टा वाई अपान एक्स वाई धन वाई डेल्टा एक्स अपान एक्स वाई 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 एक्स एक्स डेल्टा जेड अपान जेड इजिकल टू डेल्टा वाई अपान वाई और प्लस आपका क्या होगा डेल्टा एक्स अपान एक्स ये जो होगा आपका भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगा भिन्नात्मक त्रुटि। अब इसी का क्या करें परसेंटेज कर दें डेल्टा जेड अपान जेड परसेंटेज इक्वल टू डेल्टा वाई अपान वाई धन डेल्टा एक्स अपान एक्स क्या हो जाएगा 100% त्रुटि हो जाएगा। और सेम जैसे आप यहाँ उसी तरह भाग वाला कर लेंगे देखिए यदि कोई फलन दो पाठ्यांक के भाग फल पर निर्भर करता हो यही आप क्या कर देंगे एक्स बाई वाई फिर आपका यही आपका होगा जैसे यह गुणनफल का होगा उसी तरह जो त्रुटि होगा भागफल का भिन्नात्मक त्रुटि यही हो जाएगा आपका 1% त्रुटि यही हो जाएगा। इसका पांचवा देखिए पांचवा जो पाठ है कह रहा है कि यदि कोई फलन घातांक वाली राशि पर निर्भर कर रहा हो कोई फलन हो घातांक वाली राशि पर निर्भर कर रहा हो तो उस स्थिति में क्या होगा तो आइए देखिए यहाँ पर कोई फलन ले लिया पांचवा आए जेड बराबर ए स्क्वायर बी का पावर फाइव बटे सी टू दी पावर सिक्स यही फलन ले रहा है। इसके बाद क्या करेंगे इसका हम
जेड बराबर इस परिस्थिति है ए स्क्वायर डी पावर फाइव का सी टू दी पावर माइनस सिक्स हो जाएगा ठीक। और इसका डेल्टा जेड निकाला जाए तो डेल्टा जेड बराबर क्या होगा, देखिएगा टू डेल्टा ए प्लस फाइव डेल्टा बी माइनस हो जाएगा सिक्स डेल्टा सी। ऋणात्मक त्रुटि निकालना तो डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू टू डेल्टा ए अपान ए धन फाइव डेल्टा बी अपान बी माइनस सिक्स डेल्टा सी अपान सी आ जाएगा। इसका निरपेक्ष मान निकालना डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू आपका टू डेल्टा ए अपान ए धन फाइव डेल्टा बी अपान बी प्लस आ जाएगा क्योंकि निरपेक्ष मान निकालना डेल्टा सी अपान सी आ जाएगा। ये आपका पांचवा है। यदि कोई फलन घातांक वाली राशि पर निर्भर कर रहा हो, क्योंकि घातांक वाली राशि लिए हैं उस पर निर्भर करेगा तो त्रुटि इस प्रकार प्राप्त होंगे। लास्ट आपका छठवां, जिसमें कोई फलन नियतांक हो, जैसे देखा जाए एक कोई फलन लिया जाए जिसमें आपका नियतांक हो, ठीक है, फलन ले रहा है छठवां है आपका वाई बराबर एक फलन कि नियतांक हो जाए एम जी एल वाई पाई आर स्क्वायर कैपिटल एल। देख रहे हैं यहाँ पर जी और पाई क्या होता है, दोनों कांस्टेंट है नियतांक है। इस कंडीशन में ये लिखते हैं वाई बराबर क्या लिखे हैं एम आपका यल और यल आर का पावर माइनस टू या यल माइनस वन। इसका त्रुटि निकाला डेल्टा वाई बराबर का आ जाएगा डेल्टा यम धन डेल्टा यल और माइनस टू डेल्टा आर माइनस वन डेल्टा कैपिटल यल। अब भिन्नात्मक भी निकाला जाए तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम धन डेल्टा एल बाई एल माइनस टू डेल्टा आर बाई आर माइनस डेल्टा एल बाई एल। इसका निरपेक्ष मान निकालें डेल्टा वाई अपान वाई इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम धन डेल्टा एल बाई एल प्लस जाएगा टू डेल्टा आर बाई आर धन डेल्टा एल अपान एल। यही आपका कोई फलन जिसमें नियतांक हो इसके त्रुटि को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट जो आपका बात होगी वो जो आपका प्रामाणिक मान जो होगा प्रायोगिक मान का जो अंतर होगा और प्रामाणिक मान का जो अनुपात निकलता है वह अनुपात क्या कहलाता है, प्रायोगिक त्रुटि कहलाता है। तो क्या कहा है यानी प्रायोगिक त्रुटि बराबर का प्रामाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे प्रामाणिक मान, यानी प्रायोगिक जो त्रुटि होता है वो क्या होता है प्रामाणिक मान और प्रायोगिक मान का अंतर तथा प्रामाणिक मान का जो अनुपात होता है वो प्रायोगिक त्रुटि कहलाता है। और प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि कहा जाएगा तो प्रायोगिक प्रतिशत में इसी में क्या करेंगे परसेंटेज कर देंगे तो यहाँ पर सौ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे संबंधित जो भी आपका न्यूमेरिकल होगा उसको किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।